हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम आप यहाँ पर बनाए गए नया जीमेल अकाउंट। उसके लिए आपको जीमेल ओपन करना है। उसके बाद आपको थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। उसके बाद एड अनदर अकाउंट पे क्लिक करना है। एड अनदर अकाउंट पे क्लिक करने में आपको गूगल पे क्लिक करना है। कुछ देर सर्च करने के बाद यहाँ पर जीमेल का साइट इन आ जाएगा। आपको पर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते हैं, आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, फॉर माई पर्सनल यूज, वर्क फॉर माई बिजनेस। आपको फॉर माई पर्सनल यूज पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे करते हैं तो आपके पास दो इंटरफेस आ जाते हैं। ये पूछ रहा है फर्स्ट नेम, आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है आपको। जैसे मेरा नाम विशाल है तो मैं विशाल डाल देता हूँ। यहाँ पे पूछ रहा है लास्ट नेम, तो आपको यहाँ पे आपका लास्ट नेम डालना है, आपकी सर नेम वगैरह। जैसे मैं डाल देता हूँ गुजर, और नेक्स्ट पे क्लिक करना है यहाँ पर। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये देख सकते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ, फिर मंथ, ईयर और जेंडर। था आपको मेरा जैसे मंथ था सितंबर डाल दिया, डेट मेरी 2 थी मैंने डाल दी, ईयर मेरे 2001 है तो मैंने डाल दिया है। जेंडर जैसे क्लिक करें तो मेल है तो मेल पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट पे क्लिक करें आप। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको कोई सी भी जीमेल बनाने के लिए बोल रहा था। जैसे मैं मेरे नाम की बना रहा हूँ विशाल गुजर। विशाल गुजर लिख के आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे देख सकते हैं कि ये किसी ने ले चुका है ये, तो आपके पास अवेलेबल जो है विशाल गुजर 21, तो इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये पासवर्ड मांग रहा है, हमें पासवर्ड डालना है। उस पर एक लेटर नंबर सिंबल भी डालना है। जैसे मैं डाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं विशाल @8874। आपको आप टेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि आपकी आईडी बन चुकी है, उस पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए आप। नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको ऊपर स्क्रॉल करना है। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना है। जैसे कि आप देखते हैं गूगल सर्विस ओपन हो रही है यहाँ पर। देख सकते हैं कि मेरी वो जो जीमेल आईडी है वो बन चुकी है। आपको मैं बता देता हूँ, जैसे टैप किया ये देख सकते हैं आप, vishagujar21@gmail.com। उस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरी जो जीमेल आईडी है चालू हो जाएगी फ़ोन के अंदर। उसको एक्सेप्ट करना है चालू करने के लिए, इसको चलिए एक्सेप्ट कर लेते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी पहली आईडी हट चुकी है और जो नई आईडी बनाई है वो चालू हो चुकी है, vishagujar21@gmail.com के नाम से। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी आईडी चालू हो सकती है। धन्यवाद।